प्रियंका गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा किसानों की जीत हुई मोदी सरकार की हार। तो सरकार समझ रही है कि जब देशवासी, जब किसान खड़ा हो जाता है, जब डटा रहता है, तो उसी को झुकना पड़ता है। और ये मेरी तो आशा है कि आगे भी जो गलत कार्य ये सरकार करती है, जो गलत कानून लाती है, उनका विरोध होना चाहिए और सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मेरे भाई ने शायद पिछले साल ही कहा था, एक बयान दिया था, अंत में सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान की जो शक्ति है इस देश में सबसे बड़ी शक्ति है, अन्नदाता है इस देश का। सरकार समझ रही है कि जब देशवासी, जब किसान खड़ा हो जाता है, जब डटा रहता है, तो उसी को झुकना पड़ता है। और ये मेरी तो आशा है कि आगे भी जो गलत कार्य ये सरकार करती है, जो गलत कानून लाती है, उनका विरोध होना चाहिए और सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मेरे भाई ने शायद पिछले साल ही कहा था, एक बयान दिया था, अंत में सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान की जो शक्ति है इस देश में सबसे बड़ी शक्ति है, अन्नदाता है इस देश का। जी, ये देश किसानों ने बनाया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह चुनाव है, पंजाब पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अमरिंदर सिंह वहां पर उन्होंने सबसे पहले स्वागत करने वालों में हैं, एक तरीके से वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। इससे आपको कुछ समझना चाहिए। एंड देयर इज, आई फील दैट द पीपल ऑफ इंडिया एक्सट्रीमली वाइज, फ्रैंकली देयर इज नो वन वाइजर देन द फार्मर। ही नोज व्हाट इज गुड फॉर हिम, ही नोज हु स्टैंड्स अप फॉर हिम, एंड ही हैज सीन व्हाट दिस गवर्नमेंट हैज डन, नॉट जस्ट विद द फार्म लॉज, बट प्रोग्रेसिवली ओवर द लास्ट 7 इयर्स टू वीकन हिम एंड टू ensure that agriculture is handed over to certain large industrialists, which will not ensure the safety and security of the farmer. Farmer understands this. Uttar Pradesh ke saath saath Uttar Pradesh ko ya vipaksh ko sapa keh rahi hai ki ye andolan, dekhiye ye andolan kisanon ka tha, kisanon ka hai, apne haq ki ladai kisan lade, शहीद किसान हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसका श्रेय लेने की कोशिश भी करनी चाहिए, वो उचित नहीं है। किसानों का ये आंदोलन है, हम सब किसानों का समर्थन हम सब ने किया, हम सब उनके साथ डटे रहे, हम सब उनके साथ खड़े रहे, लेकिन जिसका आंदोलन है, जिसने किया है, उसी का श्रेय। प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों के चुनाव, एक एक करके ले लीजिए सवाल, ऐसे नहीं आ पाएगा। आप बोलिए। मैं कह रहा हूं प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश, जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे, बल्कि उन्होंने आंदोलन जीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था, आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें, हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें। सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई है, इस बात पर मुझे खुशी है। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो किसान शहीद हुए इस पूरे आंदोलन में, कई किसानों के परिवारों से मैं पिछले पूरे साल में मिल रही हूँ, मैं मिली हूँ, मैं उनका दुख समझती हूँ, और हम सबको सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर सरकार सचमुच सीरियस है, एक बार बातचीत नहीं की, जहाँ हत्याएं हो रही हैं वहाँ भी नहीं गया, इतना पास आकर नहीं गए, तो आज अचानक क्या हो गया है?
स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने माफी तो मांगा, लेकिन एक बार भी जो लोग 500-700 किसान शहीद हुए डेढ़ साल के पूरे आंदोलन में, उनके लिए वो श्रद्धांजलि नहीं दी, उनकी बात नहीं आई, उनके फैमिलीज की बात नहीं आई क्या? नहीं, मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि दी जाना, जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों पर आज भी क्या बीत रही है। उन्होंने अपने पूरे भाषण में एक बात कही कि कृषि कानून किसानों की बेहतरी के लिए, लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जो उससे नाराज। तो फिर भी अभी भी जब वो अपने एक तरह से जो उन्होंने गलत किया है उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए वो आज भाषण दिया उन्होंने, लेकिन अभी भी ये एक फर्क बनाना चाहते हैं कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये अलग हैं और बाकी देश के किसान अलग हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। पूरा देश का किसान एक है। आज देश में एक भी किसान नहीं है जो प्रताड़ित नहीं है, एक भी किसान नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं है, जो कर्ज में नहीं डूब रहा है वो, या किसी और वजह से दिक्कत उसको नहीं आ रही हो। आपने देखा है पेट्रोल और डीजल के दाम क्या है, डीजल के दाम का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर होता है,